दो चीजियां ले रही है। तो चार पांच लेना मेरे बेटे, आप छोटी छोटी बातें नहीं कर रही, बड़ी बड़ी सोच सोचनी है। आपके जैसे राइडिंग मैंने बहुत देखी। आप झूठ ना बोलो, आपके जैसे भी बड़े देखे हैं मैंने। लगता है आप ही और मूसा लड़ रहे हैं। आओ आओ उनको देखते हैं। बड़े अपने आप को राइडर समझती हैं? आप बड़ा समझते हैं अपने आप को राइडर? तो आओ रेस लगाओ मेरे साथ। लगाते हैं चलो। अभी देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं। निकालता हूँ अपनी स्कूटी में। स्कूटी नहीं साइकिल। अरे रुको रुको, क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो? दोनों अच्छे भले बच्चे और कैसे लड़ रहे हो जाहिलों की तरह। अच्छा हुआ पापा भागे, देखे ना पापा कैसे मुझे चैलेंज दे रहे हैं। कहते हैं रेस में स्कूटी चलाते हैं। अरे वाह, मैंने गलती से स्कूटी बोल दिया था, मैं कह रहा था साइकिल पे रेस लगाते हैं। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों आपस में? मैं रेडी हूँ, मैं किसी से कम हूँ, जाओ लेके आओ साइकिल। हाँ तो मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी रेस के लिए रेडी हूँ। तो अच्छी बात है ना, लगाओ रेस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको भी साथ में ले लो ना, ये छोटी है, ये भी रेस खेल लेगी आप लोगों के साथ। हाँ ना। जाओ। तो पापा हमारी रेस में जमजम को क्यों लेके आ रहे हैं? ये सिर्फ हमारा टाइम ही वेस्ट करती है और कुछ नहीं करती। हाँ पापा सही में टाइम वेस्ट करती है और इसकी तो साइकिल भी टूट गई है। पापा मैं भी तो रेस खेलूंगी। हाँ? मैं बड़ी साइकिल ले आऊंगी और मैं खेलूंगी। हाँ, ये बड़ी साइकिल है। हाँ, ये बड़ी साइकिल ले आती। चुप कर, बड़ी साइकिल ले आऊंगी, तेरा 1% का भी फायदा नहीं है। मैं ऐसे ना कहो, मेरे बेटे का कितना फायदा होता है, तुम लोगों को क्या पता इन चीजों का ना। मैं उसके छोटा दिल नहीं करते, हेल्प करते उसको, कुछ कोई और बहाना लगा लेते, उसका फायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं, ठीक है, ये रेस खेलेंगे, हम देखेंगे। जाए जी, अपनी रेस का इंतजाम करें। हाँ भाई, फिर रेडी हो रेस खेलने के लिए? हाँ मैं तो हमेशा ही रेडी रहता हूँ। आज के दिन आपकी हार और सिर्फ मेरी जीत होगी, मेरी जीत। मैं तो कहता हूँ छोड़ दे रेस और घर जाके वाटरमेलन खा। आज वाटरमेलन खाने का दिन नहीं है, आज तो गार्डन गार्डन होने का दिन है। ठीक है, रेस स्टार्ट होती है। 1, 2, 3 and go! पैसे नहीं दिए थे ना छोटे भाई बड़े भाई, पता है ना कहां से घेरना है? अच्छी तरह जानता हूँ। आज इसको ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। डाकू रानी, अगर इनको अकेले पकड़ेंगे तो मुश्किल बढ़ नहीं जाएगी? अगर ये मिलके लड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा, और अगर एक एक करके लड़ेंगे तो हमें फायदा होगा। अरे वाडा कुरानी, ये सोच तो मेरे माइंड में आई नहीं। अरे बेवकूफ, इसलिए तो मेरे पास डाकू रानी की डिग्री है। आपी प्लानर, तुम्हें मेरे 10,000 बहुत महंगे पड़ेंगे। अरे डाकू रानी, इनको शायद पता नहीं है आप किसकी बेटी हो। इन सब को पता चलना चाहिए कि मैं गब्बर की बेटी हूँ, गब्बर की। चलो दुश्मनों पे ऐसे टूट पड़ो कि जैसे तुम लोग रोटी पे टूट पड़ते हो। भाग ले जितना भागना है, मैं दूसरे रास्ते से आऊंगी। चल लापी प्लानर। ये मैं जीत गया पापा, ये आज मैं जीत गया, ये मैं जीत गया, ये देखो पापा मैं जीत गया। अरे मेरा बेटा जीत गया,
अरे आज तो मेरा बेटा जीत गया। और मेरा बेटा वो आप ही कहाँ है? आप ही वो पीछे रह गई होगी। है? आती होगी। आप ही के साथ ये सैमसम? ये कैसे गई तुम्हारे दाग? ओ पापा, आप मुझे ढूंढ रहे थे? ले मैं आ गई। आज भाई विनर है। विनर? अगर मुझसे पूछे आप तो आज के विनर जमजम है। जमजम? वो कैसे बेटा? जमजम तो रेस में नहीं थी, तो ये विनर कैसे हो सकती है? जी वो ऐसे के मैंने रेस जीतने के लिए शॉर्टकट रास्ता लिया और मुश्किल में फंस गई। देखती हूँ मुझे जीतने से कौन रोकता है। मैं रोकूंगी। डाकू रानी? मैं डाकू रानी? वेलकम 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 आपी प्लानर। तू क्या समझी थी आपी प्लानर, मेरा 10,000 लेके भाग जाएगी क्या? कभी नहीं। अरे बाबा टकरानी, और ड्राइव से सही जा रही हो? मैं तो तेरे सपनों में भी आऊंगी अपने 10,000 लेने। हम जिस प्लेट में खाना खाते हैं ना, वो प्लेट भी नहीं छोड़ती है, और तू 10,000 की बात कर रही है। ओए छोटे, चुप। तू चुप कर जा। छोटा मुंह बड़ी बात, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। क्यों आपी, कहाँ है मेरा 10,000? कौन से 10,000? भूल जा, कोई 10,000 नहीं। इस वक्त मैं रेस में हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। डाकू रानी, ये इस तरह नहीं सुनने वाली, कहती हो तो दूं एक। अच्छा तो मेरे साथ फाइट करोगे? हाँ तेरे साथ फाइट करेंगे। नहीं छोटे, ये अपुन की दुश्मन है, अपुन इससे खुद मुकाबला करेगी, तुम दोनों बीच में नहीं आओगे। ठीक है डाकू रानी। ए आपी प्लानर, मुझे मेरे डेरे पर आंखें ऊंची करके बात करना पसंद नहीं। आंखें नीचे कर। नहीं करूंगी, कोई काम ही ऐसा नहीं किया जिससे आंखें नीचे करूं। मैंने कहा आंखें नीचे कर। मैंने कहा अरे बड़े भाई छोटे भाई, हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो? छोड़? मैं कह रही छोड़। ए तू कहां से आई? तूने डाकू रानी को धक्का दिया? मेरी बहन को हाथ लगाने की जरूरत कैसे हुई? छोटे भाई बड़े भाई, पकड़ लो इन दोनों को। समझम, लड़ने के लिए तैयार हो ना, घबराओगी तो नहीं? आपी, जो मैं करने जा रही हूँ तो आपने घबराना नहीं। वाह जमजम, आप ये बात छोड़ो, हो जाओ शुरू।
हाँ तो पैसे चाहिए थे। किसको कितने कितने चाहिए बोलो जरा। अरे डाकुरानी गोली चलाओ। अरे गोली कैसे चलाऊं, ये तो पानी वाली है। तो फिर मार खाने के लिए रेडी हो जाओ। जमजम मारो, डाकुरानी के डाकू बड़े 10,000 लेने आए थे। जमजम आज आप बहुत मौके पे पहुंची हो, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या कर देते। थैंक यू जमजम। कोई बात नहीं। अरे लेट हो जाओगे, रेस पे जाओ। रेस तो हो गई। मेरी बहन को ज्यादा लगी इनकी तो। छोड़ दो, वो चले गए अब। चलो घर चले, चलो। अरे डाकुरानी आ गई थी तो मुझे क्यों नहीं बताया, खाम खा रेस पे चला गया। आज तो फाइट का दिन था। इतनी बहादुर होगी मेरी बहन। अभी पता चलता है कि नहीं हमारी बहन है। और आप तो कह रही थी कि 1% का फायदा नहीं, देखो उसने आज हमारी कितनी हेल्प की। हाँ भाई ये बात तो है, हमारी बहन हो और बहादुर ना हो। और भाई ये भी पता चल गया कि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कौन कब कहाँ किसी के काम आ जाए पता नहीं होता। सही कहा अभी आपने। और पापा आज मेरी तरफ से भी जमजम ही विनर है। चलो अभी घर चलते हैं, पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ,